तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। अरे अरे, आज प्रधानमंत्री को ये हो क्या गया था? सुना था उनके और योगी जी के बीच तो रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, फिर पीएम मोदी सीएम योगी की इतनी तारीफ क्यों किए जा रहे थे? जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के बीच दूरियां हैं, वो आज नरेंद्र मोदी के भाषण को बस गौर से सुनते जाएं। प्रधानमंत्री ने मंच से 32 मिनट 37 सेकंड का पूरा भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री योगी का नाम लिया, 5 बार उनका नाम लेकर योगी के काम की तारीफ की, लेकिन 32 मिनट से ज़्यादा के भाषण में योगी की तारीफ का पहला शब्द आया 22 मिनट का भाषण खत्म होने के बाद। जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है, यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। पीएम ने सीएम योगी के मेहनत की तारीफ की और हजारों कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। पीएम मोदी के मुताबिक सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में इतना काम कर दिया कि उसे गिनाने बैठे तो वक्त भी कम पड़ जाएगा। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्य निष्ठा का कमाल है। भक्ति रस का काल अभी खत्म नहीं हुआ था, कटुता के जख्म पर मीठे मीठे शब्द मरहम का काम कर रहे थे। इधर पीएम तारीफों के शब्द कहते, उधर सीएम खुद अपनी तारीफ पर ताली बजाए जाते। अब बारी आई थी काशी के काम पर पीठ थपथपाने की। पीएम ने सीएम की तीसरी बार पीठ थपथपाई। इस बार एक सांस में उन्होंने योगी का नाम 3 बार लिया। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से निपटने में योगी सरकार के कामकाज को पीएम से खूब वाहवाही मिली। पीएम के मुंह से सीएम योगी की तारीफ का सीधा मतलब जानकार यही निकाल रहे हैं कि गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, लेकिन पीएम का भरोसा जीतने में योगी को 100 में 100 नंबर मिले हैं। इसकी असली परीक्षा तभी होगी जब बीजेपी योगी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव में उतरेगी।